बदायूं से तबरेज खान की रिपोर्ट। बदायूं में बिजली का करंट लगने से बेजुबान बैल की मौत। बैल के मरने की वजह बनी बिजली विभाग की लापरवाही। दूसरी वजह, बीच रोड पर खड़ी मारुति वैन गाड़ी लोहे के पोल से आ रहा था नाले में कर। यह पूरी घटना बदायूं जिले के थाना बिसौली क्षेत्र ग्राम पिंडारा की है, जहां बिजली के करंट लगने से वैजुवान वेल की मौके पर ही मौत हो गई। हम बता दें कि कल संतोष कुमार नाम के किसान की लड़की की शादी थी, इसलिए वह टेंट का सामान उतार कर अपने गांव पहुंचा था। गांव में ही रोड पर दो मारुति वैन खड़ी थी, जिससे उसका दम लग निकालने परेशानी होती रहती है। जैसे ही संतोष ने गाड़ी बचा कर निकालना चाहा, तभी वेल का पैर नाले में चला गया। वेल तड़प कर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तभी संतोष के लड़के ने वेल की पूंछ पकड़ कर उठाने की कोशिश की तो उसे भी तगड़ा करंट लग गया, जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। गाँव वालों की माने तो बिजली विभाग ने आधे गांव में लोहे के खंभे उखाड़ कर सीमेंट के खंभे गाड़ दिए हैं और केबल डाल दी गई है, तथा कुछ ऐसे लोहे के खंभे छोड़ दिए हैं जहां तार ही खींचे हैं। इस वजह से आए दिन उसी खंभे से हादसे होते रहते हैं, लेकिन शिकायतों के बाद भी सीमेंट का खंभा गाड़ना व केबल डालना उचित नहीं समझा। यह गली मत रही कि कोई आदमी इस गंभीर हादसे का शिकार नहीं हुआ। क्या बिजली विभाग को कोई बड़े हादसे का इंतजार है? आखिर कब चेतेगा बिजली विभाग, जो लोहे के खंभे उखाड़ कर सीमेंट के खंभे लगेंगे? ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन बीच रोड फोर व्हीलर गाड़ी खड़ी रहती है और आए दिन हादसे भी होते रहते हैं, जिसके कारण आज बेजुबान बैल को अपनी जान गंवानी पड़ी। शायद यह गाड़ियां नहीं खड़ी होती तो आज बेजुबान बैल की जान नहीं जाती और किसान को अपने 30,000 रुपए के बैल का नुकसान भी नहीं होता। विद्युत विभाग की भी बड़ी लापरवाही भी देखने मिली। गांव वालों का कहना है कि गांव में कुछ लोहे के खंभों को यूं ही छोड़ दिया गया है, जिन पर खतरा बना हुआ है। बाकी सीमेंट के खंभे गाड़ कर उन पर केबल डाल दी गई है। अगर बिजली विभाग इन लोहे के खंभों को उखाड़ कर सीमेंट के खंभे लगा देता तो ये हादसा नहीं होता। सूचना पर बिसौली कोतवाल पंकज लवानिया पुलिस बल के साथ पहुंचे, तथा दरोगा सत्यपाल सिंह ने मृत वेल को डॉक्टरी के लिए पशु चिकित्सालय भेजा है। अब देखना यह होगा कि विभागीय क्या कार्यवाही करता है।